जहाजों की लड़ाई भाई, सीधे जहाज से लड़ाई भाई, अक्षय कुमार का स्टंट कॉपी कर लिया ना मैंने तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपके लिए रिएक्ट करेंगे एक ट्रेलर के ऊपर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मुनीश और मैं हूं सुनील। और ये जो ट्रेलर हम देखने वाले हैं ये अभी अभी आया है। हमने पहले कहा था कि वॉर का ट्रेलर आएगा तो हम बहुत पहले बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे तीसरे साथी हमारे साथ नहीं है लेकिन हम दो ही इस ट्रेलर पे रिएक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं इस ट्रेलर को। अक्षय कुमार का स्टंट कॉपी कर लिया ना मैंने तो। जगा के मारा भाई। कबीर इज गॉन रॉग मैन। कबीर इज आवर बेस्ट। इससे पहले वो कुछ और करे, क्या कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. कल टीम कौन लीड कर रहा है? आपको क्या लगता है? Then remember what I taught you, Khal. मौका मिला तो कोई चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। आप किसी और तक पहुंचे, उससे पहले मैं आप तक पहुंचूंगा। आप किसी और तक पहुंचे, इससे पहले मैं आप तक पहुंचूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सेम टीम में थे पहले। दोनों स्पाई का रोल कर रहे हैं। हाँ। बीच में वो करना, ये भी स्पाई होंगी। मिसाइल भी छोड़ दी गई है। जहाज उड़ा? नहीं नहीं, जहाज नहीं उड़ा, पत्नी के उड़ा है। खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। उतर गए कपड़े। नहीं, ये समझ नहीं आया कि डू 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 टी शर्ट फाड़नी। ये करना जरूरी है। अब टी शर्ट बोली। अच्छा, ये तो ट्रेलर है ना भाई। ट्रेलर में कुछ भी आगे पीछे लग सकते हैं शॉट। तो दोस्तों, ये था वॉर का ट्रेलर। सीन इतने अच्छे थे कि मतलब याद ही नहीं रहा कि क्या बोल रहे, मतलब बिल्कुल घुस गए थे एकदम से। ऐसा समझ नहीं आया कि पलके झपकाए या ना झपकाए, पता ही नहीं लग रहा था कि एकदम से क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, एकदम से होता ही जा रहा है सब कुछ। यानी एक भी सीन ऐसा नहीं है जिस पे से तुम नजर हटा सको। हाँ, तो ये मतलब इस इतना ट्रेलर से समझ आ रहा है कि दोनों ही स्पाई थे, स्पाई हैं, पता नहीं। और दोनों एक ही टीम में थे शायद, आई थिंक। नहीं, उसने बताया ना ऋतिक रोशन ने कि वो उसका स्टूडेंट हुआ करता था। हुआ करता था, तो उन्होंने शेर सिखाया है उनको। तो जो भी कुछ सिखाया है, और श्रॉफ ने बोला है कि जो भी कुछ सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है। और गद्दारी नहीं सीखी, सबसे मेन चीज ये है। तो आई थिंक वो किसी मिशन पे है या क्या है वो तो मूवी में ही पता लगेगा। तो ऋतिक रोशन अपनी ही आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो हमला कर देते हैं। अब ये तो फिल्म देख के पता चलेगा कि शायद वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा हो कि जिस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए टाइगर श्रॉफ जाते हैं, और टाइगर श्रॉफ इसीलिए हमने पहले भी जो टीज़र में देखा था कि टाइगर श्रॉफ पीछे पीछे भाग रहे हैं और ऋतिक रोशन आगे आगे भाग रहे हैं। तो वो इससे पता चलता है कि क्यों ऐसा था। और इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो हमारे ऑफिसर्स थे इनके ऊपर वाले, वही कहते हैं कि हाँ आप कबीर को मार दो, यानी वो उससे पहले कुछ मूव ऑन करे, इससे पहले उसे ख़त्म कर दो। मेन चीज़ ये, यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो या तो कोई करप्टेड है उसको कैचअप करने के लिए किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा हिडन तो है ही है इसमें।
जो मूवी आने के बाद ही पता लगा सबसे मेन चीज तो। और एक्शन तो जबरदस्त ही है, स्टार्टिंग ही जो है सीधे हवाई जहाज से लड़ाई शुरू हुई है, पता नहीं क्या क्या फट गया इसके अंदर शुरू में। तो ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, साथ में जो हीरोइन है उनके कम शॉट्स दिखाए हैं इस बार ट्रेलर में, क्योंकि इसकी फिल्म की जो यूएसपी है वो है ही यही कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ हैं, तो उस यूएसपी के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई है ट्रेलर के अंदर। ये बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया है कि वो फोकस ज़रा भी मतलब हटाने की कोशिश नहीं है कहीं और, किसी और करेक्टर के ऊपर फोकस नहीं है, बिल्कुल हर सीन में हर शॉट में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन साथ में मतलब दिखते हैं, यानी पूरी फिल्म इनके ऊपर ही दिख रही है, यानी ट्रेलर के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि पूरी फिल्म इनके ऊपर ही है, यानी किसी और का रोल लग नहीं रहा मुझे कुछ खास, किसी और का रोल होगा इसमें कुछ खास। और शायद वो जो हीरोइन है इस मूवी की वो भी स्पाई हो सकती है, जैसा लग भी रहा था बीच में एक दो सीन देख के लग रहा था कि वो भी शायद स्पाई है। और फिल्म जब ट्रेलर शुरू होता है तो बिल्कुल शुरू ही प्लेन के साथ होता है, प्लेन के ऊपर की फाइट, इसमें ऋतिक रोशन शायद उसके जहाज के पंख के ऊपर खड़े हैं, तो वो अक्षय कुमार ने जो स्टंट कर दिए थे पहले आज से 15-20 साल पहले, वो स्टंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अभी तो। लेकिन उस टाइम अक्षय कुमार ने जो किए थे वो, और वो बहुत बढ़िया थे, वो उन्होंने खुद किए थे, इसमें पता नहीं वो उस पे हम क्यों जाएंगे, वो हमें तो हमें ये देखना है कि ये ट्रेलर ये मूवी कैसी लगती है, इस ट्रेलर के हिसाब से मूवी का क्या। मूवी के हिसाब से तो भाई साहब मेरे को तो लगता है कम से कम 200-300 करोड़ से कम तो कमाने वाली नहीं है मूवी। 200-300 करोड़ तो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का ये तो ऐसे कि मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट वीक में ही इतने अर्न हो जाएंगे आराम से, फर्स्ट वीक में शायद 100 करोड़ तो क्रॉस हो जाने हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी का लग रहा है ना मुझे कि यानी ट्रेलर में जो चीज़ दिखाई गई है, यानी अब एक्शन देखो कितने एक्शन कितने हैं सबसे मेन चीज़ का एक्शन फाइट, क्योंकि जो बेसिकली क्या देखा जाता है बॉलीवुड मूवी में लव ऑफ एक्शन ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन अब एक्शन और फाइट यानी कहीं ना कहीं उन्होंने हॉलीवुड को भी थोड़ा सा एंटर दिया है, इसमें जो सीन थे वो हॉलीवुड की तरह बनाए हैं काफ़ी हद तक। और फाइट सीन देखोगे तो जिसमें टाइगर श्रॉफ वो बंदूक चला रहे हैं, यानी गाड़ी के साथ ही साथ मूव ऑन करते जा रहे हैं और बंदूक चलाते जा रहे हैं, तो बीच में काफ़ी कुछ म्यूज़िक इस मूवी का अच्छा होना चाहिए, जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी अच्छा है, और डायरेक्टर जो है इसके उससे पहले बैंग बैंग जैसी मूवी बना चुके हैं, तो उम्मीद है मूवी से कि अच्छी मूवी होगी। और यशराज का बैनर है तो ऑब्वियस है डिस्ट्रीब्यूशनशिप तो बहुत अच्छी होगी, डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से होगी मूवी, तो देखते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो में क्या मूवी लेकर आती है हम सब के लिए। बाकी अब तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा, 2nd of October को आ रही है आई थिंक। हाँ शायद पता, आई थिंक अक्टूबर में। तो ये था दोस्तों हमारा रिएक्शन वॉर मूवी के ट्रेलर के ऊपर। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, आपको क्या लगता है इस ट्रेलर को देख के कि स्टोरी क्या होनी चाहिए और ये मूवी कितना कमाएगी, आप सभी से ये क्वेश्चन है। और कैसी लगी आप लोगों को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की ये जोड़ी, कुछ सीन्स में वो इकट्ठे भी दिखाए गए हैं, तो आपको कैसी लग रही है इन दोनों की जोड़ी, इस नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा इस ट्रेलर को देख के आपको। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। Thank you.